गेट खोला यार, बैग हटाओ पीछे से, बैग हटाओ। साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज का जो वीडियो है मैं चाहूँगा आप लास्ट तक देखें, क्योंकि मुद्दा इतना सेंसिटिव है। राह चलते हुए रोड एक्सीडेंट पे एक व्यक्ति जिसको गाड़ी से टकरा गया था, लहूलुहान पड़ा था सड़क पे। लोग पब्लिक हमेशा की तरह खड़े होकर वीडियोज़ बना रही थी, जैसे तैसे कैसे उसको हमने हॉस्पिटल पहुँचाया, फिर जाके हॉस्पिटल वालों ने मना किया कि हम एडमिट नहीं करेंगे, कहीं और लेके जाओ। फिर जब एडमिट कराया तो कुछ घंटों के बाद वो जो व्यक्ति था उसकी सांसें छूट गईं, वो व्यक्ति जो है दुनिया में नहीं रहा, एक्सपायर हो गया, मर गया। अब दुख की बात तो बहुत ज़्यादा है, किसी व्यक्ति की जान चली गई, लेकिन इस बात का प्राउड है कि एटलीस्ट प्रयास किया। मैं बहुत अर्जेंट वर्क से जा रहा था, फिर भी रोड पे जब देखा ऐसे किसी घायल को इस अवस्था में, तो क्या क्या मैंने किया, पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बताऊँगा इस क्लिप के माध्यम से, जो थोड़ी बहुत मैंने रिकॉर्ड की थी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और साथ ही साथ पुलिस उल्टे सीधे सवाल ना करे उस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी। तो देखिएगा इस पूरे वीडियो को और आगे फिर हम बात करते हैं। अरे भैया, अरे यार क्या, उठाओ यार, उठाओ भाई, उठाओ, अरे उठाओ यार, अरे उठा दो यार, हाथ लगवा दो यार, अरे भाई हाथ लगवा दो, बोलो बोलो, सांस लो, सांस सांस लो, सांस, गेट खोले ना, गेट खोले यार, बैग हटाओ पीछे से, बैग हटाओ मैडम, गाड़ी चालू हालत में है कि नहीं है, अरे गाड़ी तो देख लो चालू हालत में है कि नहीं है, अरे हाथ लगा लो ना, इतने आदमी है, अरे आ जाओ यार, लेडीज देखो कोई इतनी कर रही है हिम्मत, एक बार पीछे आओ, मैं देखना आ रहा हूँ, पीछे से उठाओ ना भाई, उठ जा भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे हाथ लगा लो यार, इसके घर पे हाथ लगा लो, भैया उठ जाओ, भैया उठो, उठो उठो उठो, हिम्मत कर, उनके फोन में किसी का नंबर है तो उसे बता दो, ठीक है ठीक है, आगे ठीक है, दारू पियो ठोक दिया है, दारू पियो आ रही है, ये व्यक्ति अफलातूनी बातें कर रहा है कि दारू पी रखी थी, वो पी रखा था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, तभी मैंने वीडियो बनाया, मैं वेट कर रहा था, कोई दारू नहीं पी रखी थी उन्होंने, वो टीचर थे केमिस्ट्री के, जो इसकी लापरवाही की वजह से इस दुनिया में अब नहीं है। ये लड़की जो है, ये इस लड़की को व्यक्ति कह रहा है मेरी वाइफ है, हॉस्पिटल में इन्होंने मेरे को बताया, तो ये बाद में पता चला कि शायद इनकी वाइफ भी नहीं है, भगवान जाने जो भी कहानी है। इनका जो बयान लिखा गया था मेरा, उसमें मैंने बोला था इनका भी जिक्र डालो, इनका जिक्र पता नहीं क्यों नहीं किया गया, वो किसी और विटनेस का लिया होगा, बल्कि मैंने कहा था कि जब मैं इनको कह रहा था कि हॉस्पिटल लेके चलो, तो व्यक्ति मना कर रहा था कि दारू पी रखी है, पुलिस आएगी ले जाएगी, बल्कि उस लेडी ने ही इनिशिएटिव लिया कि नहीं नहीं चलो हमारी गाड़ी में ही ले चलो, क्योंकि बाकी लोग तो वहाँ पे जैसे मैंने बोला अपनी कोई गाड़ी लेके आओ लेके चलते हैं, तो सारे अपनी गाड़ी लेके यहाँ वहाँ खिसकने लग गए, कोई ऐसे नहीं करता, ये बोल जाते हैं कि अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है, रोड पे कभी तुम भी ऐसे पड़े हो सकते, तो तुम्हारी कौन हेल्प करेगा। तो फाइनली जो है इनको गाड़ी में अभी हम रख के लेके जा रहे हैं, आप ये सोचिए किस तरीके से यू टर्न ले रहे थे, बिल्कुल रोड के बीचों बीच गाड़ी खड़ी हुई है, आप खुद अंदाज़ा लगाइए ये कौन सा यू टर्न है कि रोड के बीच गाड़ी खड़ी हुई है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट से इन्होंने एकदम राइट गाड़ी मोड़ी है, जैसा कि यहाँ पे चश्मदीदों ने मेरे को बताया, उन्होंने बोला कि बिल्कुल लेफ्ट में था ये व्यक्ति, एकदम ये लेडी से बात करता हुआ जा रहा था, जो इसकी ठीक बाइक के साथ और भी लोग थे, और एकदम उसने राइट टर्न लिया तभी हादसा हुआ है, ऐसा लोगों ने बताया। तो इस पूरे मामले में अभी तक क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। रोड पे जो चश्मदीदों ने, जो विटनेसेस ने बताया, वो ये कि एक कपल था इस गाड़ी में, ये जो गाड़ी आपने अभी देखी, एक लड़का और लड़की इसमें थे, ये दोनों गाड़ी में कुछ बात करते हुए जा रहे थे, काफ़ी क्लोज बैठे हुए थे, बातें करते जा रहे थे, और यू टर्न बजाय एक्सट्रीम राइट की तरफ दबा के यू टर्न लेने के, इन्होंने बिल्कुल लेफ्ट से यू टर्न पूरे रोड पे घुमा के ले लिया, झटके से काट के, जिसकी वजह से पीछे से आने वाली बाइक इससे टकरा गई और वो व्यक्ति वहीं गिर गया, और फिर ये पूरा मामला आपने देख ही लिया। और ये जो व्यक्ति है जिसकी गाड़ी में टक्कर लगी थी, ये तो बहुत ही एटीट्यूड में बात कर रहा था, कहता ये तो दारू पी के इसने मेरी गाड़ी में टक्कर मारी है, मैं क्यों इसको अपनी गाड़ी में लेके जाऊँ, और आपने देखा इनकी गाड़ी में इसको डाल के ले गए। पहले मैंने बोला कि भैया कोई अपनी गाड़ी ले आओ, क्योंकि मैं बाइक पे था, मैंने बोला कोई अपनी गाड़ी ले आओ, किसी गाड़ी में ले चलते हैं,
क्योंकि मैं ट्रेंड हूँ फर्स्ट एड में और CPR कैसे देना है इन सब चीज़ों में मुझे ट्रेनिंग हासिल है। तो मैंने देखा कि सबसे पहले इस व्यक्ति की सांसें नहीं चल रही थी, तो मुझे लगा CPR देना चाहिए। फिर मैंने देखा इसके मुंह से और नाक से ब्लीडिंग आ रही थी, तो इस केस में भी CPR देना रिस्की साबित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि अंदर इनका जो केज है वो टूट गया हो या सेंसिटिव तरीके से फ्रैक्चर हो गया हो। यदि हम और प्रेस करेंगे तो छाती को नुकसान हो सकता है, दिल के पास हो सकता है, हड्डियाँ टूट के आसपास हों और वो हमारे हृदय को फाड़ दें, लंग्स को फाड़ दें। इस वजह से मैंने CPR देना उचित नहीं समझा। सबसे पहले मैंने सोचा कि तुरंत इनको बिना समय वेस्ट करे हुए हॉस्पिटल ले चलते हैं, ताकि वहाँ पर तुरंत इनको प्राथमिक उपचार के साथ साथ एक जो भी केयर है वो मिल सके। पर सांसें तो थी नहीं, हाथ में नहीं लगाया, धड़कन भी बहुत धीमी धीमी थी, तो मैं समझ गया अगले 3-4 मिनट में यदि नहीं पहुँचा तो जान चली जाएगी। लोगों से रिक्वेस्ट की, लोग गाड़ी लेकर नहीं आए। फिर जैसे तैसे इस व्यक्ति को मैंने बोला अपनी गाड़ी में लेके चल, तो बोला नहीं नहीं इसने तो दारू पी के मेरी गाड़ी में टक्कर मारी है, पुलिस को आने जो पुलिस को कॉल ही कर दिया है, तो पुलिस आएगी वो लेके जाएगी। फिर इसके साथ जो लेडी थी वो बड़ी समझदार थी, उसने बोला नहीं नहीं अपनी गाड़ी में हम लेके जाएंगे, आप प्लीज़ मेरी हेल्प तो कराओ और लोग, मैं अकेले कैसे रखूँ। तो वहाँ पर लोगों को मैंने बोला कि वीडियो बनाना बंद करो, जैसे तैसे गाड़ी में आप इस व्यक्ति को उठाइए, गाड़ी में रखिए, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। उसके बाद फिर क्या होता है इस क्लिप को देखिए, फिर आगे आपसे मैं बात करता हूँ। पता नहीं इसी को पता होगी। ध्यान से सुनिए कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं इनको नारायणा लेके चल जाओ किसी और हॉस्पिटल। सुनो जरा, डॉक्टर साहब इसको करवा लो यहीं पे। मैं न्यूज़ NBN से ही हूँ, मैं इसीलिए ट्रेस करता लाया इनको पीछे पीछे, रास्ता मैंने ही बताया इनको। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का कि चलो अपने चैनल के नाम लेने के बाद इन्होंने बोला कि स्ट्रेचर ले गया, उनका एडमिट करते हैं। देखते हैं अभी आगे इन्होंने क्या कार्रवाई की, फिर आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ। इनको लगता है ना कि ये ऐसे ही प्राइवेट केस है। मैं देखा नहीं, इसलिए मैं तो उससे अंतर पड़ा हुआ था बेचारे, हम लोगों ने उठाया कि इसको डाला फिर गाड़ी में ही। डॉक्टर बताएगा वो गाड़ी को बैक करके उधर लगाओ। किसकी गाड़ी, कौन है ड्राइवर, कौन है? ये रहा कोई इधर लगाओ, किसी देर के लिए वहाँ निकल काले कोर्ट में डॉक्टर की फुर्ती देख के मैं समझ गया हूँ कि मामला गंभीर है, सीरियस है। हैंड ब्रेक खेचो भाई, हैंड ब्रेक लगा लो, हैंड ब्रेक लगाओ। ये ड्राइवर जो है पब्लिक को भी मिसलीड कर रहा है कि दारू पी के मारी, उसकी गलती न जाने क्या क्या बता रहे सबको। उसके बाद मैंने सारा सबको सत्य बताया यहाँ पे, जितने भी लोग खड़े थे मेरे सामने तो डॉक्टर्स ने बड़े एफर्ट्स मारे। मैं तारीफ करता हूँ डॉक्टर्स की और यहाँ के हॉस्पिटल की, इन्होंने बड़ा ही सिंसियरली इसको लिया और सबने जो है ट्रीटमेंट के लिए सब लोग जुट गए, कोई ऑक्सीजन कोई कुछ कोई कुछ। कितना डैमेज परमानेंटली हुआ है, कितने डेज कर रहे हैं, ये बताना मुश्किल है।
अभी 24/48 या तब तो वेंटिलेटर पे ऐसे रहेंगे और मैं डाल जो डिमांड आप वहाँ से यहाँ तक आए हैं आई थिंक 5-7 मिनट तो उसी में लगे होंगे 5 मिनट तो एटलीस्ट लगे होंगे चोट लगी है पूरा 5-7 मिनट वहाँ उससे नीचे लाने में ही 5 मिनट लग गया है जब से मैं चिल्ला रहा हूँ 10 मिनट तो वहाँ से चले चोट लगने के बाद बेहोशी से अंदर से नहीं ब्लीडिंग नहीं है मैंने कट्यू डाली ना ब्लीडिंग नहीं बाहर तो कुछ नहीं है ये जो भी है ये बाहर का नाक का ही है उनके अंदर एकदम ब्लीड नहीं था चेस्ट बिल्कुल क्लियर था कुछ भी नहीं है तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं बट ये ब्रेन वीडियो में आपने ध्यान से सुना होगा जब हॉस्पिटल लेके गए तो पहले तो जो वहाँ का मेडिकल स्टाफ था उतर के आया और बोला नहीं नहीं आप यहाँ पे नहीं आप इनको जो है किसी और हॉस्पिटल ले जाइए तो उसको मैंने थोड़ा सा अपना परिचय दिया और साथ ही साथ ये भी बुलाया कि हमारा भी जो हम न्यूज़ चैनल जो है रन करते हैं और एज ए फ्रीलांस जर्नलिस्ट हमारा भी चैनल है और हम जो है फिर आपके लिए उचित नहीं होगा यदि आप ऐसा करेंगे तो कहीं जाके हॉस्पिटल ने इस व्यक्ति को एडमिट किया और उसके बाद प्राथमिक उपचार देना शुरू किया। मेरे सामने जाते ही पहले डॉक्टर ने बोला इनकी सांसें नहीं हैं धड़कन बिल्कुल ज़ीरो है तुरंत CPR दिया ऑक्सीजन लगाया तो इसकी जैसे डॉक्टर ने हमें बताया कि रिवाइव कर गए हैं अभी सांस वापस आ गई है पर कोई शॉर्ट ही नहीं है बचेंगे। उसके बाद इस व्यक्ति को मैं बोलता रहा कि भैया जब ही हम हॉस्पिटल आ रहे थे तो मैंने इसको बोला कि जाके डॉक्टर से मिल ले भैया उनके हाथ पैर जोड़ ले बोल दे जैसे तैसे बचा लो पैसा मैं खर्च कर लूँगा जो भी होगा मैं खर्च करूँगा पर बंदे ने बोला मैं क्यों पैसा खर्च करूँ बार बार वही लत इसने तो मेरी गाड़ी में टक्कर मारी। आप जानते हैं मैंने क्यों एक हफ्ते के बाद वीडियो बनाया क्योंकि बार बार उस व्यक्ति की रट थी कि दारू पी के इन्होंने तो मेरी बाइक मेरी गाड़ी में ठोक दी है फिर भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई मैं पुलिस जो इंस्पेक्टर है उनसे मिलकर आया पूरा जायज़ा लेकर आया तो पता चला कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सडनली गाड़ी टकराने के बाद जो है सदमे से शायद इनकी डेथ हुई है और दारू का कोई इसमें वो नहीं है जैसा कि मुझे आयु ने बताया। तभी इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ और ये वैसे भी दिखने में पंडित जी लग रहे हैं इनके जब भाई से मेरी फैमिली से बात हुई हॉस्पिटल में जब ये लोग आए तो यार जो मंजर था मैं बता भी नहीं सकता। डॉक्टर ने बिल्कुल मेरी आंखों के सामने उनको बताया कैसे बताया सीधा नहीं बताया कि इज़ नो मोर पहले उन्होंने वो जो ECG टाइप का था ना ग्राफ जो बनाता है पहले वो बताया कि देखिए जब ये आए थे तो इनका ग्राफ ऐसे था उसके बाद ग्राफ थोड़ा कम हुआ फिर कम हुआ एकदम स्ट्रेट है तो मेरे कान खड़के में इनके स्ट्रेट है तो यार अब तो बचा नहीं होगा ये बेचारा। फिर तो बोला आप डॉक्टर साहब बताओ ना भाई मेरा ठीक है फिर बड़ी सैडनेस के साथ डॉक्टर ने बोला आई एम सॉरी वो अब नहीं है ही इज़ नो मोर। तो इतना सुनते ही उनके जो भाई साहब हैं उनकी जो भाभी हैं भाई साहब वहाँ पे तो रोवराट मच गया चीखने पुकारने की वहाँ पे आवाज़ आने लगी। और यहाँ पे क्या सबक मैंने लिया जिस व्यक्ति की गाड़ी से टकराए थे गौरी शंकर जी उस समय यदि वो होता वहाँ पे तो डेफिनेटली इनके भाई के बिल्कुल आपा उस समय पे यार खो देते इंसान। वो कह रहे थे मैं इनको छोड़ूंगा नहीं इस टाइप की वो बातें कर रहे थे कि मेरे सामने आ जाएगा तो वो बचेगा नहीं इस टाइप की वो बातें कर रहे थे क्योंकि यार भाई गया है ना। तो ऐसे मामलों में जब भी ऐसा हो पहली बात तो व्यक्ति अपने आप को सरेंडर कर दे पुलिस के हवाले कर दे हॉस्पिटल में पहुंचाने के बाद पुलिस को हवाले कर दे वहाँ पर वेट न करे परिजनों के आने का क्योंकि परिजन गुस्से में होते उनको नहीं पता पूरा मामला क्या है कैसे है हो सकता है आपकी गलती ना भी हो तो भी आपके ऊपर परिवार का गुस्सा उतर जाए तो अक्सर इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है ऐसा मुझे लगता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ पे मंजर देख के। उसके अलावा इस कपल की मुझे और एक छोटी सी गलती ये लगी कि इनको जब मैं हम इनको गाड़ी में बिठा दिया था इनकी में जब कपल गाड़ी चला रहा था कपल को नहीं पता था कि इनको मैं ट्रेस भी कर रहा हूँ पीछे बाइक पे ये जाते साइड में गाड़ी लगा के खड़े हो गया पहले तो पता नहीं क्या बातें कर रहा मैंने कह रहा तू यहाँ पे खड़ा होकर बातें कर रहा है गाड़ी आगे बढ़ा एक एक सेकंड बहुत कीमती है। फिर रेड लाइट पे जाके मैंने क्लियर कराया इसको मैं आगे बढ़ाता रहा इसने GPS से पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल लगा रखा था क्या था बल्कि हॉस्पिटल राइट हैंड साइड पर बिल्कुल पीछे था और ये गाड़ी आगे ले जाने लगा। मैंने बोला आगे कहाँ लेके जा रहा है तू क्या सोच रहा है कि तेरे साथ में कोई है नहीं तू कहीं भी कुछ कर लेगा सही बताऊंगा इस मुझे पता नहीं इसकी क्या मंशा थी पर जिस टाइप की बातें कर रहा था एक्सीडेंट प्लेस पे तो मुझे लगा कि शायद ये इसको कहीं गिरा के ना चला जाए ऑनेस्टली बताऊँ मेरे दिमाग में यही था और इस बात को पुलिस ने भी बोला कि हाँ ऐसा भी हो सकता था खुद परिवार ने भी बोला। तो इसका मैंने बोला कि हॉस्पिटल उधर है मेरे पीछे फटाफट चल देर मत कर एक मिनट भी लाइट लोड जंप करते हुए हम हॉस्पिटल में पहुँचे। उसके बाद आपने देख लिया हॉस्पिटल के बाहर जब पहुँचे तो हॉस्पिटल क्या रवैया था। अब एनी हाउस जो है अब मैं आपको एक छोटा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं बताता हूँ कि इनको क्या करना चाहिए था। और जब भी आप रोड पे गाड़ी देके जाएं तो यार देखो जिंदगी का कुछ नहीं पता भाई इस हादसे से ही पता चलता है
कुछ नहीं पता कब किसका साथ क्या हादसे हो जाए, रोड पे चलते हैं पर आपकी गलती ना होते हुए भी किसी और की गलती से आपकी जान जा सकती है। जैसे कि गाड़ी इसने लापरवाही से मोड़ी और गाड़ी सीधी आके ठोकी, वरना कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं कि जो व्यक्ति 44 इयर्स का, इसका सातवीं क्लास में इनका एक बच्चा पढ़ता है, मैरिड है, पूरा परिवार है हंसता खेलता हुआ, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बाइक इतने सालों से चला रहा है और जाके गाड़ी को ठोक देगा। इन्होंने जब गाड़ी को जो चश्मदीद उन्होंने वहाँ पे बताया, वो यही बताया कि गाड़ी इन्होंने एकदम सडनली मोड़ दी थी राइट टर्न लेके बिना पीछे देखे हुए, तब ये बाइक ठुकी है। तो एक लापरवाही का मामला बनता है, आपने तो लापरवाही कर दी और ये जो बेचारा व्यक्ति था इसकी जान चली गई। तो भाई जब भी रोड पर चलो ऐसे दाएं बाएं ध्यान से देख लो, कोई ऐसा सरफिरा ना हो जो गाड़ी घुमा दे और उसके चक्कर में आपके साथ हादसा हो जाए। तो गाड़ी भाई सावधानी से चलाएं, जब भी रेड लाइट आए बहुत सावधानी से रुकें, ये ना सोचें कि रेड लाइट पे मैं चलता रहूं बाकी लोग रोक लेंगे, बड़े सरफिरे लोग हैं कहीं से भी घुस जाते हैं, ग्रीन लाइट पे भी चार आँखें करके आराम से पार करें। तो ये तजुर्बा रहा मेरा, मैं यही प्रार्थना करता हूँ अपने चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से कि प्रभु इनकी आत्मा को शांति दें, उनके परिवार को इस दुख से लड़ने की शक्ति दें और इस केस में मैं भी विटनेस बना हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि परिवार को, इस व्यक्ति को जो नहीं रहे, इनको इंसाफ मिले, इनकी आत्मा को ये ना लगे कि दुनिया कितनी बेरहम है, मुंह फेर के चले गए, किसी ने मुझे बचाया नहीं। इनके भाई ने मुझे यार बहुत धन्यवाद किया कि असली भाई तो आप ही हो। देखिए दोस्तों, ना तो मैं इसका जात जात जानता था, ना धर्म जानता था, ना ये जानता था कौन है, इनका क्या नाम है, फिर भी मैंने पहल की, जितना प्रयास बन सकता था किया, फिर इनकी गाड़ी में भी इनको रख के हम हॉस्पिटल ले गए, फिर हॉस्पिटल से लड़ाई करी कि इनको एडमिट करो, फिर पुलिस को हॉस्पिटल ने जब कॉल किया, जब मैंने CMO को इन्फॉर्म किया कि भैया मैं ऐसे ऐसे आपका जो है कवरेज करूँगा, आप इसको ढंग से ट्रीटमेंट दें ताकि आपकी छवि ख़राब ना हो, तो फिर प्रॉपर प्रोसीजर आ गया था, मीडिया की बात आ गई थी, तो CMO ने पुलिस को भी कॉल किया, पुलिस भी आई, उनका परिवार भी आया। तो ये पूरा मामला था दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे के बारे में, कमेंट में अपनी बात रखिएगा ज़रूर, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को पूरे एक एविडेंसेस के साथ कोर्ट में भी पेश किया जा सके। आप क्या कहते हैं, आपके कमेंट भी आप राय दीजिएगा, आपके ने कभी ऐसे हादसा देखा हो जिसमें आपको लगता हो कि, अक्सर कहते हैं ना कि बड़ी गाड़ी की गलती, ऐसा अक्सर नहीं होता लेकिन कई बार गाड़ी की भी गलती होती है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा और अपने एक वेल विशर के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अलर्ट होकर चलें। और गाड़ी का हमेशा से आप लाइसेंस के बिना गाड़ी ना चलाएं, वो क्राइम है, बिना लाइसेंस के यदि आपने गाड़ी से कोई एक्सीडेंट कर दिया तो 302 लगेगी आपके ऊपर, और यदि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो पूरा खर्चा आपको देना पड़ेगा, और गाड़ी की एक्सीडेंट वाले दिन भले इंश्योरेंस हो लेकिन उसका पॉल्यूशन नहीं है, अभी नया रूल आ गया है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है उस डेट का, तो भी उसको इंश्योरेंस क्लेम में जो है एक बहुत बड़ी अड़चन आपको आ सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखें, हमेशा गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें ताकि कोई भी ऐसा हादसा हो तो लीगल टर्म्स में आपको ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े और जिस व्यक्ति के साथ हादसा हुआ उसको समय पे जो है वो मुआवजा मिल जाए। तो दोस्तों ख्याल रखिएगा अपना, जय हिंद, और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि जब भी एक सामाजिक मुद्दे पे वीडियो आए आपके स्क्रीन तक सबसे पहले पहुँच जाए। ख्याल रखिएगा दोस्तों अपना।